पश्चिम बंगाल से अरिजीत भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के विधायकों पर जो 49 लाख रुपए मिले थे उसी मामले की जांच को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस इनको जांच नहीं कर रही, ना ही छापेमारी करने दे रही है। अरिजीत जी, क्या क्या हुआ है? आज आप सर्च वारंट लेकर पहुंचे थे यहाँ पर, किसके सर्च वारंट को लेकर पहुंचे थे? फर्स्ट हाउस सर्च वारंट था हमारे पास, सिद्धार्थ मजुमदार ऐसा नाम से, आनंद निकेतन उसका घर है। तो हम आए थे सुबह साउथ कैंपस थाने में, तो यहाँ पे रिक्वेशन डाले थे, तो लोकल पुलिस हमको असिस्ट भी किया है, ऑफिसर भी गए थे, लेडी फोर्स भी गए थे। तो हम वेट करने के बाद जब अंदर आए तो सर्च शुरू करने से जब ही शुरू करने जा रहे थे, तभी जो स्कॉटिंग ऑफिसर था उसने बुलाया कि आप बुला रहे साहब, कोई थाने में जाना पड़ेगा, फिर बाद में आएंगे, इसलिए हम वापस चले आए। तो क्या आप लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है और सर्च वारंट करने नहीं दिया जा रहा? नहीं नहीं, हिरासत में नहीं, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कोई हिरासत में नहीं है। क्यों नहीं, आप जब आपके पास सर्च वारंट है, आपने सर्च वारंट दिखाया, तो आप लोगों को क्यों नहीं वापस सर्च करने दिया जा रहा? वो पता नहीं, अगर आदेश मिलेगा फिर वापस जाएंगे सर्च करने। अच्छा, दिल्ली पुलिस का लेकिन ये कहना है कि जो टीम आई है उनके साथ जो सर्च वारंट पे जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम लिखा है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम के साथ मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें रोका गया है। नहीं, हमारे पास ऑथोराइजेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ऑथोराइज करता है दूसरे आदमी को, दूसरे ऑफिसर को, वो तो अकेला सब जगह नहीं जा सकता, तो वैसे ऑथोराइज किए हुए हैं, तो उसीलिए हम आए हैं। लेकिन आपके पश्चिम बंगाल की तरफ से तो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो आपकी टीम में 4 पुलिसकर्मी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। नहीं नहीं, हिरासत में नहीं है, हिरासत में नहीं, हम वेट कर रहे हैं, हिरासत में नहीं है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या चाह रही है दिल्ली पुलिस? वो तो पता नहीं, आदेश अगर मिलेगा सुपीरियर्स का। तो आपने सुना जो अरिजीत भट्टाचार्य जो उस पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम के सदस्य हैं, उनका कहना है कि फिलहाल जो सर्च वारंट लेकर पहुंचे थे सर्च करने से रोक दिया गया है, कोई वजह नहीं बताई है। फिलहाल जितने भी पश्चिम बंगाल की टीम में जो 4 पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे थे वो थाना साउथ कैंपस जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिसकर्मी उनका साथ सहयोग करेंगे और सर्च ऑपरेशन को ये आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है कि इस टीम में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद नहीं है जिसका नाम सर्च वारंट के ऊपर लिखा था, यही वजह है कि कुछ कानूनी पेच के चलते जो सर्च ऑपरेशन है वो रोका गया है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज दिल्ली।